गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने अभी ब्रश किया है और मुंह धोया है और मैं बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे एकदम, है ना? छक्कास। तो दोस्तों, मैंने चाय रखी हुई है गैस पे और सुख से मेरा बेटा आज ठीक मूड में है। मेरे से लड़ाई उसकी ख़त्म होगी, कल रात को ही उसकी लड़ाई ख़त्म होगी। कल रात को क्या, शाम को जब वो मेरे फ्रेंड को लेने गया था, तो वो जो मेरे फ्रेंड है ना, वो बॉम्बे से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से। तो वो तुषार के गॉडफादर भी हैं, उसके अंकल भी हैं, मतलब फादर फिगर ही मानता उनको। तो वो जब उनको लेने गया तो उसने तो वहाँ पर जब पता चला हुआ माँ और बेटे की होगी, तो उसने तो अच्छी खासी तुषार को ही सुनाई होगी ज़रूर। तुषार ने मेरी शिकायत लगाई होगी, मम्मा ऐसे करती, ये ऐसी करता है, मेरी शिकायतें बहुत लगाता है। तो हाँ, मुझे नहीं पता इसने लगाई कि लगाई, वैसे सोच रही हूँ लगाई होगी ज़रूर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरे को हिंट मिल गई है। तो उसके आगे तो इसकी चलती नहीं है, उसके बाद से ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि हमने वो हमारा पूरा ऐसे डिनर विनर इसने सर्व किया, सारा कुछ किया रात को। तो सुबह थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, फिर मैंने चाय के लिए पूछा तो कह रहा चाय पिला दो। तो अभी मैं चाय बना, मेरा चाय का पतीला, इस चाय के पतीले की कहानी मैं आपको आराम से बताती हूँ विथ लॉट्स ऑफ लव, क्योंकि मेरी मॉर्निंग हुई है। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मॉर्निंग 10 बजे होती है, तो वो लोग भी अभी पहली चाय पी रहे होंगे। तो सबको पहली चाय मुबारक। आज ना मेरे घर में छोटा सा गेट टुगेदर है, और मतलब छोटा सा गेट टुगेदर क्या, हमने गेट टुगेदर करने के लिए लेडीज़ ने, हम लोगों ने एक छोटी सी किट्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। तो मैं दीदी आएंगी इधर, तो मैं ना अभी आपसे देर से मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तैयारी वारी करूँगी, दीदी की वेट करूँगी और थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी, नहाऊँगी और तो फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने चेंज कर लिया है, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और मैं दीदी का इंतज़ार कर रही थी और दीदी भी आ गई हैं। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, कि शुक्र है दीदी आए हैं तो शार के पास बैठे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने ना आज थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज करी है, क्योंकि हॉल छोटा है तो सब लोग पूरे नहीं आते। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने डाइनिंग टेबल बिल्कुल विंडो के साथ लगा दिया है, तो मेरा मंदिर है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, अपनी डाइनिंग टेबल की चेयर्स वगैरह को अरेंज कर दिया है ताकि सब लोग पूरा आ जाएं। अभी इसमें ना यहाँ पर हम लोग जो ईटरीज रखेंगे ना, वो इधर रख देंगे, और बाकी ये फ्रेंड्स, आज ना मेरा सचमुच पोपट होने वाला था, क्योंकि दीदी की आज किट्टी निकली थी और उन्होंने मेरे घर आना था, आपको बताया मैंने पहले। तो उन्होंने अपनी चॉइस से सारा मेन्यू वगैरह बताया था कि ये रख लेंगे, और दीदी की तबीयत सडनली, मतलब दीदी की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब ही चल रही है, तो आज सडनली जब दीदी रेडी हो गए थे, लेकिन कह रहे थे मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं आऊँगी। मैं तो सोच में पड़ गई, अच्छा ये क्या हो गया। फिर मैंने सारा कुछ एकदम तैयार तो कर लिया है, मतलब अपनी तरफ से पूरा कुछ रेडी कर दिया है। तो और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि दीदी की तबीयत ठीक थी, दीदी नहीं आएंगे, पर सडनली बेल बजी, बेल भी नहीं बजी, आहट सी आई और टुक टुक ने भौंकना शुरू कर दिया, मेरी जान में जान आ गई, मैंने कहा दीदी आ गए। तो मैं मिलवाती हूँ आपसे अपनी सिस्टर। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, मूड में ही नहीं है दीदी मिलने से। हेलो तुषार, ये देखो हमने दीदी को पकड़ लिया, पकड़ लिया जी, पकड़ लिया। आ नहीं रहे थे मेरे कैमरे में, चलो ठीक हो जाओगे, अभी सब लोग आएंगे ना, थोड़ा सा एंजॉय करोगे, ठीक हो जाओगे। टुक टुक, तू कहाँ चढ़ के बैठी हुई है, हैं? हेलो हेलो कर दे तू भी, हाय हाय फाय कर दो, हाय फाय, हाय फाय, हाय फाय, गुड गर्ल, गुड गर्ल। फ्रेंड्स, मेरे घर में मुझे सच चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो, हमारी तो हेलो, आज हमारी पार्टी किट्टी है, आज तो किट्टी की पार्टी है। आपने तो उससे खूब मजे लगा दिए थे, मैंने तो सब में आपका लिया, सारे ब्लॉग्स में आप आए हो ना, वो जो सबसे ज्यादा मजा लगाते हैं वो दिख नहीं रही मुझे, अच्छा तो जन्माष्टमी वाले दिन भी इसलिए नहीं थी।
डाली तो ही है, लोकेशन डाली तो ही है। पर्ची कौन निकालेगा? ये तुषार निकालेगा पर्ची। तुषार आप निकालो। ये रेनू जी का इस बार किटी में निकला है, इस बार वो लकी निकली है। भारत से राइट हो जाओ। चलो रेनू जी की आगे अगली बार किटी की पार्टी रेनू भाभी के घर होगी। चलो अब रेनू जी की आई है तो नहीं, लेकिन चलो आती है जैसे तो फिर उनको ये इन्फॉर्मेशन कौन बांध के रखता है। हाँ रेनू जी बांधते हैं, फोन करती है। ये आपका जो पेंडिंग और पीछे का पिंच मैं और हमेशा लेट कौन आता है? रेनू हमेशा लेट आता है। कौन? रेनू। कोई बात नहीं, अवार्ड दे दो फिर। लेट है अवार्ड दे, लेट है अवार्ड नहीं, लेट की पेनल्टी है। आपने बोला ना अवार्ड दे दो, आपको अवार्ड दे दो। अब आप खड़े हो जाओ, अवार्ड खड़े हो गया। ये अवार्ड ऐसा है कि पानी आपको खुद छूट जाएगा। आज 12 लोग हैं, ये सबसे बड़ी कमाल हो गया। हाँ आज 12 लोग हैं। चलो भाई अवार्ड लो, खड़े हो। पर्ची चली गई, वैसे छोड़ दो। चलो क्लैपिंग कर देते हैं। चलो हम क्लैपिंग कर देते हैं। भाभी जी छोड़ो ना। अच्छा नेक्स्ट मेरी है क्या? ये देखो आपको लेट आने का अवार्ड मिला। रेनू जी वैसे ऐसा हो सकता है, पता चले घर पहुंचे अगली मतलब अगली किट्टी रिस्क में है। रिस्क में होगी लिमका, लिमका लिमका। गोवा चलो, गोवा चलो। हाँ सही बात है, गोवा जाना चाहिए। मैं भी कह रही हूँ। देखो जो ये ग्रुप होता है लेडीज का, उसको गोल्डीज बोला था। हाँ सही बात है, गोल्डीज का एक ट्रिप बनाते हैं। बिल्कुल जेंट्स। हाँ सही है ना, एक आधे दिन का बना लो, जैसे आगरा बना लो, बढ़िया रहेगा। यार गर्मी होती है, गर्मी में आगरा नहीं जाएगा। बहुत गर्मी है, जयपुर का बनाने प्रोग्राम। देखो 2 महीने बना लो, मैं तो जाऊंगी। पहली बार तो हो रहा है जब से आपके पास बैठी मेरे चार लाइन थ्री 39 कुछ नहीं हो रहा। मिलने वाले 69। चलो जी सेल्फ सर्विस है, आप लोग आ जाओ। आ जाओ सब से। चलो सेल्फ सर्विस है भाई, कैसे लेट करती भाई, ये डाल के देगी सबको। नहीं सर आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं डाल के दूर कर बेटर है, खुद अपने आप ले लो आके। मोनिका जी आप चलोगे? नहीं विसर्जन करने गणपति। हाँ गणपति को विसर्जन करने चल पड़ो। अभी तो दीदी के यहाँ बिठाया जा रहा है, दीदी को दे देंगे। हाँ जो भी देंगे। चलेगी साथ में? मैं हुई नहीं ना, जा रही निकले। तू तो बड़ी मजे से चल पड़ी। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि में। किचन मेरा कर्म भूमि है, तो मेरे घर में जो गेट टुगेदर था वो तो खत्म हो चुका है और इवन दीदी भी अपने घर जा चुके हैं। तो मैं इस टाइम डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। रात का टाइम है, लेकिन मैंने ये रायता डाला है बूंदी का। मैं ये पहले तुषार बोलते हैं चौली चौली का मैंने साग की सब्जी बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई है। और मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखी, बहुत अच्छी बनी है। और साथ में दाल भी बना दी है। देखो इतना कुछ फटाफट मैंने कर दिया। तो अब मैं टुक टुक को खाना देने लगी हूँ। टुकटुक के लिए एग बॉयल हो गया है, ये देखो एग बॉयल मैंने आज छोटे से कुकर में ही कर दिए। एग बॉयल हो गए हैं मेरे, टुकटुक को मैं खाना देती हूँ। ब्लॉगिंग करने में भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तुषार को भी उसको प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसके लिए भी एग्स अच्छे हैं, तो उसके लिए भी बॉयल कर दिए।
तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज व्लॉग बनाया, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज सेकंड इनिंग विद मोनिका। तब मैं अपना काम करती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मैं भी अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल।